मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने शिवराज सरकार पर कोरोना को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही बरती गई। प्रदेश कोरोना के गंभीर संक्रमण से गुजर रहा है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने शिवराज सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन में सरकार ने लापरवाही की है। प्रदेश में जांच और इलाज समय पर नहीं होने से 20 फीसदी मरीजों ने दम तोड़ा है। लापरवाही की वजह से 1065 मौतें हुई हैं। विधानसभा स्तर पर मॉनिटरिंग की होती तो ये आंकड़ा नहीं होता। लापरवाही की जवाबदेही बीजेपी सरकार की है। प्रजापति ने कहा, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विधानसभा की कार्यवाही संचालित की जाती है। विधानसभा नियम कानून और परंपराओं से चलती है। समितियों के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि सत्र बुलाने के बाद ही आगे की कार्यवाही हो सकती है। चुने हुए स्पीकर के माध्यम से ही फैसले लिए जाते हैं, ना कि प्रोटेम स्पीकर के जरिए। और जिन लापरवाहियों से मौत हो रही है उसका सीधा सीधा जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी है, सरकार आपकी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पोषक तत्व हैं, जो पीछे से आशीर्वाद देते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी ना होना भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक बात तो कोरोना की हुई, दूसरी बात विधानसभा, श्री मंत्री और उनका दल परिषद गठन का वैसे ही विरोध कर रहा था। अब जब वो पहली विरोध कर रहा था और हम लोग लाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो विरोधी कर रहे थे तो हम ना लाएं, यानी विपक्ष या जो सत्ता में आ गए ना लाएं, तो उसका तरीका क्या है कि ऐसी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई ताकि हम उससे बच जाएं। ये एक बहुत बढ़िया कूटनीतिक जवाब होता है सत्ता पक्ष का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।